रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कल था एम 31, ओहो उधर थे 16, यानी ऑलमोस्ट 50 डीपीटी तो मैथ्स में हो चुके हैं। ठीक है रेहान ऑन द टॉप, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, है? कल 4 मार्क्स लग गया क्या? नहीं सही था, 60 लोगों ने दिया है, कोई सवाल में करेक्शन नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है बताओ? कल आप लोग लड़े हुए जा रहे थे एकदम बिना सब सही है। वालेकुम सलाम। रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0, क्या दिक्कत है इसमें? सर सब सही है, सब सही है। और घबराओ मत, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं। सर क्वेश्चन 12 एक्सप्लेन कर दीजिए सर। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे आराम से ना, क्वेश्चन नंबर 12 बात करेंगे। आप क्या करो इसको सिंपलीफाई कर लो, दिखाता हूं मैं आप लोगों को क्या कर रहे हैं। सर आप ये सिंपलीफाई कर लीजिए ना, लीजिए आप देखिए, सबको स्क्रीन दिख रहा है। इसका छोटा सा ट्रिक भी है, ये भी सीख जाओ। इस तरह का सवाल जब भी आए ना तो आप डरा मत करो, आप इसको ना एक पैटर्न की तरह देखा करो कि पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे नवाब सर का फंडा 3-1 ना, याद होगा खट खट खटाखट, 4-1 तो 3 और अपॉन का 4, 5-1 4 अपॉन 5 एंड सो ऑन। यहां से क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन एन, सही है सर। ए खट खट खट, ऐसे खट 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 सब कैंसिल हो जाएगा, पैटर्न को पकड़ो आप, ये नीचे नीचे वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना, इधर बचा 2, इधर बचा n, आंसर आ गया 2 अपॉन n। इसको हम लोग सवाल कहते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, है ना। इसमें पैटर्न चल रहा होता है, इस तरह का पैटर्न वाला शायद अभी आपके लेवल में नहीं, नौवीं में आओगे और तरह तरह के सवाल कराऊंगे। एक छोटा सा सवाल ऐसे दे दिया मैंने। अच्छा, इसी का एक ट्रिक का पार्ट अगर देखना चाहो तो आप ऐसे ट्रिक देख सकते हो इसका ना, ये 3 लिखने की नाकाम कोशिश की है मैंने। ठीक है, सी डी इज 2n-1/9। अगर आंसर इनमें से कोई एक है तो n को 1 पटकने पे हमें पहला नंबर मिल जाना चाहिए। बोला हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। n को 1 पटकने पे कितना मिल रहा है मेरे को, 1-1/3 दैट इज 2/3। तो n को 1 पटकने पे जो मेरे को 2/3 दे देगा वो हमारा आंसर है, सही है। तो सर n को 1 पटकने पे तो 2/3 कोई दे ही नहीं रहा, अरे सर n को 1 नहीं पटक सकते हैं, क्योंकि n को 1 पटकेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो कहानी 1 से शुरू नहीं होगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो कहानी 1 से शुरू नहीं होगी। तो सर n को 2 पटक के एक बार देखते हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा है इस सवाल में ट्रिक शायद फेल होता है, लेट अस ट्राई। लेट n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू अगर 2 ले लेते हैं हम, तो पहला सर पता है n को आपको 3 से शुरुआत करना पड़ेगा, एन को आपको 3 से शुरुआत करना पड़ेगा। तो एन को आपको कि ना पहला जो नंबर है वो आपको 3 से शुरू हो रहा है, तो एन को अगर हमने 3 लिया तो 3 पटकने पे कितना हो रहा है, 1-1/3, तो ये हो जाएगा 3-1 2/3। एन को 3 पटकने पे जो 2/3 दे देगा वो हमारा आंसर होगा, यही 2/3 दे रहा है, यही आंसर। ठीक है, तो 1 और 2 आपको फेल कर सकता है, लेट इट बी, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। पहले 2 नंबर ले लेंगे तो हम बिल्कुल फिल कर देगा। तो आप इस सवाल के लिए ट्रिक नहीं, आप बेटर बेसिक से जाओ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं लगने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं साहिल, इसीलिए मैंने इस बार के टेस्ट पेपर में मेंसुरेशन डाला, इसलिए डाला है क्योंकि मेंसुरेशन आपको आना चाहिए, और इतने दिनों से आप मेंसुरेशन करते आ रहे मेंसुरेशन आपसे सवाल नहीं बन रहा, यानी ऐसा क्या है सर मेंसुरेशन का सवाल नहीं बन रहा। पीयूष का कहना है क्वेश्चन नंबर 15, पीयूष क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्त, एक नंबर है जो डिवाइड किया गया बाय इतना, गिव्स क्वेश्चन 18 एंड रिमाइंडर इज 385, द नंबर इज, लेट द नंबर बी x, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 875 से, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो 18 और रिमाइंडर जो आ रहा है वो 385। बचपन से जान रहे हो, अरे यार हमने पढ़ा है डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, देन इट विल गिव यू क्वेश्चन एंड इट विल गिव यू रिमाइंडर, then what this dividend is, dividend यानी जो हम divide कर रहे हैं जिसको, तो x, तो x क्या हो जाएगा, इन दोनों का multiplication, this into this plus का remainder, बस simple, तो this is equal to what, 875 into 18 plus का 385। option को देखो बंदो, मैं तो तेरे पास में none of these दे रखा है, तो none of these में trick मत चलाना, better है इसको आप solve कर लेना तो आपका answer आ जाएगा। ठीक है, रेहान कह रहा है 5वां, मैं सोचा था अगले दिन डिस्कस करूंगा, रेहान आज ही सीखेंगे दोस्त 5वां नंबर सवाल, आज थोड़ा सा बस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डिसिमल के कॉन्सेप्ट से रेशनल नंबर,
इसको जादू मंत्र से उड़ाया दोस्त, तो ये हो गया 3/4, 25 से काट दिया, तो इसका जो रेशनल रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट इज 3/4, ये हो गया आंसर सी। ठीक है, कैलकुलेशन प्यूस भी आपको करना पड़ेगा ना दोस्त, करना पड़ेगा। साइंस का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सर से आज क्लास सर की नहीं होगी, सर की क्लास आज नहीं होगी, मैं ही क्लास कंटिन्यू करूंगा, तो उस वक्त आप जान जाना सर के सर से, या मैं देख लूंगा अगर मेरे से तो होगा ही नहीं ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 15 का, हाँ जी बताए, क्लास शुरू कर दिया तो आप पूछ रहे हैं पोजीशन देखना पड़ेगा मेरे को एनालिसिस एक बार, ठीक है क्या कर रहा है वो देखूंगा उसके बाद बताऊंगा, एक दो दिन का नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो आपको काट पीट करके देख लो कौन सिंपलेस्ट में आ रहा। हाँ नहीं हो रहा जी सर, बोलो सर बहुत देर से चार्ज कर रहे, नहीं हो पा रहा, ठीक है नहीं हो रहा, देखो क्या हो रहा, शनि ने दिया भाई इतना महंगा है ना ये, नन ऑफ दीज आ रहा है क्या, इसका नन ऑफ दीज आ रहा है ऐसा कहना चाह रहे हैं आप, 875 × 18 ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 875 कितने बार मल्टीप्लाई किया तुमने, कितने बार मल्टीप्लाई किया, 16135 आ रहा है, 16135 आ रहा है, 16135 आंसर बी आ रहा है इसका, तो यार पीयूष एक बार सही कर लेता यार, इतना चेक कर लेता दोस्त, एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, क्या बात पूछ रहे हो यार उदित, इतना तोता मैना की तरह चिल्लाते आ रहा हूं रियल नंबर के दो बाल बच्चे, रेशनल है इरेशनल है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दीजिए, 8 में क्या दिक्कत हो गया यार, 8 को मैं काहे सॉल्व कर लूं, 14/35, 21/45, मतलब ये छठी क्लास का सवाल भी मैं सॉल्व करूं, हैं सरफराज 7वां 8वां 9वां 10वां सब पूछ लो, तुमको सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता होगा, अब इतना भी दिन आ गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन नहीं पता दोस्त, देखो सब्ट्रैक्शन का सवाल दे रखा है। अब वलीउल्लाह कह रहा है सर 14 समझा दीजिए, ये तुम लोग ना ऐसे ना सुधरोगे, ये एक ये कहेगा एक वो कहेगा और कैलकुलेशन करता रहे, पीयूष एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर ले यार, कैलकुलेशन सही से कर ले भाई, मैंने कैलकुलेटर चला के चेक किया है। अमावशिरा बोलो सर, वो वाला जो क्वेश्चन था एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो सर उसमें इंटीजर नहीं हो सकता, सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो जाते हैं, हैं सुनना अमावशिरा तुम, अगर सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो जाते हैं तो एक नंबर ले रहा हूं मैं ना, ये रेशनल नंबर है ना, 5/4 रेशनल नंबर है, yes. है yes, तो क्या ये इंटीजर है, क्या कहती है नहीं है ना, तो आप ये समझो ना यार, रियल नंबर का बेटा हुआ रेशनल और इरेशनल, और रेशनल के बहुत सारे बाल बच्चे हुए, तो एवरी रेशनल ये होना कहना गलत है, लेकिन एवरी इनमें से कोई सा भी हो जाए वो रेशनल बोला जाए तो ट्रू है, इनमें से कोई भी बोला जाए कि ये हो सकता है गलत है, लेकिन एवरी रेशनल इज रियल नंबर बोला जाए तो वो ट्रू है। अब आदित्य का स्टेटमेंट कहना है कि आदित्य क्वेश्चन नंबर 8 रॉन्ग है, अगर सही कह दो, पीयूष अभी भी क्वेश्चन नंबर उसके पीछे पड़ा हुआ है, 1675 आ रहा है इसका, जरा हम भी देख लेते हैं भाई, 875 गिव्स 18, 875 × 18 रिमाइंडर 385, 16135 आ रहा भाई मेरे वाले में, तुम्हारे कैलकुलेटर में कुछ और आ रहा होगा भाई, 875 × 18 प्लस का 385 गिव्स यू 16135, अब तुम्हारे वाले कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, फिर से एक बार तुम्हारे भरोसे के लिए कर देता हूँ, सो 875 × 18
प्लस का 385, 16 135 भाई हमारा दोबारा भी यही आया, ठीक है बस वही ना, सही बोल रहे थे मेरा सर, सर ये लोग ना जबरदस्ती बिना मतलब का जो चीज सही है ना वो भी पूछ के ना खाली टाइम अपना बर्बाद करते हैं, खाली टाइम पूछ के बर्बाद। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, कितने बार आदित्य तुमने सवाल सॉल्व किया होगा 8? पक्का कह रहा कि ना सर मेरा एकदम सही है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चैलेंज कर रहा है कि 8 सही है। तनाज कह रही एकदम सही है सर। माविया एक बार ना ऐप को अपडेट करो, ऐप को अपडेट करो, तुमने ऐप अपडेट किया नहीं चार सर। एट इज करेक्ट, कर चुके हैं सर, अब करने के बाद अपडेट क्यों नहीं हो रहा, एक बार क्रोम के थ्रू खोल के देखो आप। क्वेश्चन नंबर 29 कहां से आ गया यार, कम 29 कहां से आ गया सवाल यार। ऑल क्वेश्चन सर करेक्ट, 14 समझा दीजिए, ले अब वलीउल्लाह अपना क्वेश्चन लेके 14, एक मिनट सुनेंगे आप, जरा डीपीटी आज कर लेने दो, उसके बाद आप लोग पूछते रहना मेरे को ना, आज डीपीटी हो जाए, एक साथ दोनों डीपीटी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, आज पढ़ लो उसके बाद एक साथ दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक क्लियर, पढ़ लो। ओ ऐसा है क्या, आज नया अपडेट है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा आ रहा है तो राइट, आप लोग का वीडियो इस कॉर्नर पे आता है क्या, यहाँ पे आता है क्या वीडियो है? सर किधर भी कर सकते हैं हम वीडियो आपका, इधर से उधर कर पा रहे हैं अपडेट के बाद। अच्छा ये बहुत शानदार चीज है, पहले एक कोने में रहता था हम लोग दायां बायां, फिर कोने में मैं नहीं लिख पाता था, ठीक है, इसलिए कभी गौर किया होगा मैं इस कोने में नहीं लिखता था, क्योंकि लोगों ने कहा था सर कि यहाँ पे मत लिखेगा, यहाँ पे आपका वीडियो आता है उसको मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऐप अपडेट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है नाउ यू कैन ठीक है। हाँ बड़ा दिख रहा हूँ, अच्छा ही तो हमारे लिए, अभी दिख रहा जरा और बड़ा दिख रहा हूँ क्या, किधर लगा ऐप अपडेट किया तुमने, ऐप अपडेट नहीं, ऐप अपडेट करो भाई, चलिए ठीक है शुरू करते हैं, जहां चाहो वहां घुमा दो। हाँ अलवीरा क्या हुआ दोस्त, बोलो यार, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं सोचा पहली क्लास नहीं लूंगा दूसरी ले लूंगा, ठीक है, और नहीं यार मौका मिले आज पूरा क्लास फिर से लेंगे। सर हम तो ये कह रहे थे कि सर थोड़ा ना डिमोटिवेट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी सुना दीजिए कोई पोएम। ये सोचो ठीक है सर सच में, क्योंकि अब क्लासेस भी हैं और एग्जाम्स भी आने वाले हैं सर, तो थोड़ा माइंड प्रेशराइज हो रहा है बहुत ज्यादा। चलिए आज मेरी दो क्लास है ना, तो आज दो सर, सेकंड भी आपकी है क्या? मेरी सेकंड क्लास भी मेरी है, ठीक है, दो देखो कैसे बाप रे बाप। सर नहीं असल में इतना अच्छा गिफ्ट मिला ना, शॉक हो गए। दो में सेकंड क्लास में मेरी है, तो बीच में ब्रेक लेंगे लेकिन ना आज लंबा नहीं पढ़ेंगे, तो आपका ब्रेक भी एक मिनट से ज्यादा का नहीं होता है, 5 मिनट का पूरा, जाओ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, 5 मिनट का पूरा ब्रेक, सर ऐसे 5 घंटे का दे रहे हो? नहीं 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 5 मिनट का पूरा ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है खुश हो जाओ तुम लोग, जाओ 5 मिनट अभी नहीं पढ़ लो उसके बाद जाएंगे ना, ठीक है जरा देखते हैं ना, बहुत शानदार चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा अभी तक में ना, जरा उसको रिवीजन करते हैं ताकि आप लोग ऐसे वैसे सवाल जो आज बच्चों वाले सवाल पूछ रहे नहीं पूछना चाहिए था ना, इतने दिल से इतने आराम आराम से आपको पढ़ाया, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बाल बच्चे हुए, एक बच्चे को हमने कहा रियल नंबर जो कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट के अंदर, खास करना क्यूब रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है, गौर फरमाने वाली बात, क्यूब रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है ये एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आना ये रियल नंबर नहीं है, ये बड़ी खास बात है दिमाग से रखना, नवाब सर ने तो ये पढ़ाया था निगेटिव नहीं आ सकता है, ऐसे चिल्लाइए मत, इवेंथ रूट यहाँ 2 है यहाँ 4th रूट है, तो यहाँ अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, ऑड के अंदर निगेटिव आ सकता है, इनफैक्ट यू कैन कैलकुलेट ऑफ क्यूब रूट पढ़ चुके हो, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -8, तो यू कैन से -2 × -2 × -2, और इसका क्यूब रूट है 3 का पेयर बन गया, ये रूट से बाहर होके -2 हो जाएगा, ये पॉसिबल है,
हाँ इंडेक्स इवन नहीं होना चाहिए, दैट इज इमेजिनरी, ये हमारा इमेजिनरी का केस है ना। तो ये होता है ना रिवीजन, जितना करोगे उतना नया नया सीखोगे। क्लास इलेवंथ में आओगे तो इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास टेंथ में आओगे इस पे एक पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, एक पूरा लेक्चर इसको डेडिकेट करेंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अगर अच्छे बैच हो, अच्छे बैच ना सोचा हूँ कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए नाइन्थ को करने के लिए, तो इंशाल्लाह फर्स्ट स्लाइड है कृष्णा, फर्स्ट स्लाइड अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग रिविजन कर रहे थे, अभी हम लोग फर्स्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, रियल नंबर के दो बाल बच्चे हुए बच्चा होगा ना, एक बच्चे का नाम कहा हम लोगों ने रेशनल नंबर और दूसरे बच्चे का नाम हुआ इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपको इरेशनल नंबर पढ़ा दूं, है ना, थोड़ा सा पढ़ा दूं कि अगर उनका दिमाग सटका, नौवीं क्लास का है और वो समझे अरे अभी तक तो पेपर हुआ नहीं है, बच्चा तो नौवीं का पहला चैप्टर पढ़ ही लिया होगा। यही तो हुआ इन लोगों के साथ, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू में इन नौवीं क्लास का खाली सवाल पूछा है इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू हुआ लास्ट ईयर का, अमान यजदानी हो, आमिर हो, या जितने भी इंशा उनशा जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, खाली नौवीं क्लास का पूछ रहे थे वो लोग, ठीक है। और ये लोग पढ़े हुए बच्चे थे तो नौवीं क्लास का आप तैयार रहेंगे आप लोग ना, इंटरव्यू इंटरव्यू की बात है, बात की बात है, घबरा मत, अभी वक्त है उसमें, हम लोग भी पढ़ लेंगे काफी कुछ। आप देखना जब मैं नाइन्थ के चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे अरे हाँ यार सर ये तो पढ़ा हुआ है, अरे हाँ सर ये तो आपने वहां पे बता दिया था, अरे हाँ सर इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो रेशनल नंबर इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे और इरेशनल नंबर को हम क्यू सी, और एक की 47 लेके जाऊंगा कसम से, ये ना ये लोग चैट ऑफ करो, ये बिना मतलब का खाली बात करते रहते हैं। क्यूसी बोले या क्यू बार बोले ना होना, सी रियल नंबर, अगर रियल नंबर है और वो रेशनल नहीं है तो पक्का बोल देना वो इरेशनल होगा। ये क्लास नाइन्थ का पार्ट है। रेशनल नंबर को हम लोगों ने तीन अंदाज में पढ़ा। रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं सब रेशनल नंबर, इसके सारे खानदान, इसमें पूरा लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। और आपके प्रैक्टिस शीट, थ्योरी शीट, अगर पॉकेट बुक का कंटेंट आपके पास है, पॉकेट बुक का कंटेंट अगर आपके पास है तो जाके एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे। रेशनल नंबर के बाद वी हैव सम स्पेशल टाइप्स, है ना, कुछ स्पेशल टाइप्स के थे जिसके बारे में कल खाली हम लोगों ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भाई साहब खाली पढ़े। सम स्पेशल टाइप्स, है ना, ऑफ रेशनल नंबर, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। आगे इन लोगों को टॉप 10 में एक ही बच्चा आया सर, तो एक बात करनी है तुम लोगों से यार, एक बात करनी, चैट जरा, नहीं तीन तो उसमें मुस्तकबिल में तूने अभी तक भेजा है, भेज दे जल्दी से तीनों को, सोहा को, जो लड़की है रोजी है और क्या क्या, लिंक सेंड करो, लिंक सेंड कर, इसको छोड़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, सेंड लिंक, हाँ लिंक सेंड करो। ये बताओ टॉप 10 में रिजल्ट देखा होगा आप लोगों ने, है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, रेहान ने नाक बचा के रखा भाई, ठीक है, 82 मार्क्स। उसके बाद और भी थे, मैंने उस पर वीडियो बनाया, देखा होगा आपने टेस्ट सीरीज पे, ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों के मार्क्स। इनफैक्ट आपने देखा होगा एक नया कॉलम आया ना रेड करने वाला, कि मैं रेड कर रहा था कि किसने बच्चों का रेड हो रहा है, मतलब वो लिटरेचर सेक्शन में 10 से कम मार्क्स आए, तो मैं देख रहा था एक दो जितने भी रेड वाले ऑलमोस्ट है उनका ना कोई एक पेपर उन्होंने नहीं दिया है, तो हिंदी नहीं दिया है ना उर्दू नहीं दिया, ऐसा कुछ किया उन लोगों ने, तो मे भी जो भी रीजन हो, मतलब वो लोग सब लोग ऑलमोस्ट आप लोग बच्चे सेफ साइड जोन पे हो, ठीक है। टॉप 10 में एक बच्चा लाना मतलब तगड़े बच्चे नहीं आए हैं टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में तगड़े बच्चे नहीं आए हैं। तो यार आप नहीं चाहते यार कि टेस्ट सीरीज में तगड़े बच्चे आए और अपना कॉम्पिटिशन तगड़े बच्चे से हो, तब फिर रेस में मजा आवे, है रेहान क्या कहता है दोस्त, तगड़े वाले बच्चे आए तो फिर मजा आए ना यार, आप ना आप अपना लॉस कर रहे हो। अगर तगड़े बच्चे आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है, आपके मार्क्स जितने आ रहे हो मैटर नहीं कर रहा है, आप मार्क्स वही लाओगे अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को अगर तगड़ा हो तो जज तो करो, थोड़ा तगड़े तगड़े बच्चे तो लाओ, लाओ ना अपने दोस्तों यारों को, जितना भी आप तगड़े तगड़े बच्चे हैं, अरे आओ हमारे साथ जरा टेस्ट सीरीज दे के दिखाओ, ठीक है, कितना ला सकते हो लाओ, ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। हाँ सर गांधी जी ने यही बात कही थी, जो भी हो इसमें क्या कर सकते हैं आपके लिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, कंजूस नहीं, 500 रुपये का खाली उसको बोलो कि ले भाई मेरे से उधार ले ले, बाद में कमा के दे दियो, लैपटॉप अगर आएगा तो आधा आधा शेयर होगा, 500 रुपये में नहीं, लैपटॉप में आधा आधा शेयर होगा, ऐसे करियो कि 500 रुपये में सिर्फ लैपटॉप मिलने के चांसेस हैं अगर तू थस में तगड़ा है तो, ठीक है। तो ये है अपने लिए, तो 500 रुपये का उधार दो अपने अच्छे दोस्तों को,
अब भाई लैपटॉप में आधा आधा का बंटवारा, आधा आधा तोड़ के नहीं, आधा तू रख आधा तू रख, है लैपटॉप बेचेंगे और आधा पैसा हम आधा पैसा वो, सबसे बढ़िया ठीक है तेरा इंटरनल स्टोरेज मेरा, हाँ ये भी सही है। तो ये मैं चाह रहा था बेसिकली ना कि आप ना, मैं अक्सर थोड़ा सा लेट रहता हूँ लेकिन फीचर बहुत शानदार लाता हूँ, अगर आप वीडियो जाके देखना उसमें, मैं अभी आपको फॉरवर्ड करूंगा, क्लास से फ्री होऊंगा तो सबको फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो मैंने बहुत सारी फीचर तो अभी उसमें बोलना ही रह गया, ठीक है, कीपैड आपका स्क्रीन मेरा, तो ये सब चलता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने दोस्तों को जो लगता कि ना यार सच में तगड़ा बंदा, वो ना उस वक्त 5,500 या 6,500 नहीं दे सकता था, लेकिन 500 रुपए वो दे सकता, और 500 रुपए में उसको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। 77 इज बेटर मार्क्स, बिल्कुल शारिक, बहुत शानदार मार्क्स है। जिसको टॉप 20 या 50 में रहना है, अपने मार्क्स हमेशा 75 से ऊपर रखे, हर टेस्ट में 75 से ऊपर रखे कुछ चाहे 20 रुपए किलो सवाल भेज दे, सही कह रहा हूं मैं, अभी सवाल तो इतने खदान मिले। अरे करो या मरो सीरीज, सोचो आप, अरे एक्सपेक्ट करो कि मैंने 10 दिन के अंदर, 100 सवाल आते हैं उन लोगों के 11th एंट्रेंस में, 10 दिन के अंदर मैंने कितने सवाल उन लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। एग्जाम्पल सोचो जरा सा कि सर आपने 10 दिन में उन लोगों को ना 11th एंट्रेंस वालों को इतने ही सवाल कराए, 10 दिन के अंदर पूरा रिवीजन डिस्कशन बच्चे ने खुद से किया होगा, बताओ 10 दिन के अंदर कितने कराए, 10 × 180 = 1800 सवाल, और अच्छा इसने 180 काउंट कर लिया, हाँ पहले दिन 180 सवाल गया था, अच्छा ए बिलाल मारे हैं ना, कैसे कर सकते हैं इंडिया कैडेट स्कूल के टॉपर बच्चे, तो इमेज में ही है, नहीं नहीं हो सकते वली अल्लाह ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ए 19,000 मुबशिरा, मैं बताऊं कि कम से कम ना तो उन लोगों को मैं अभी आज कल का डेटा है 240 सवाल दिया था, कल 230, तो एवरेज अगर निकालोगे तो 200 से ऊपर ही जा रहा है हर दिन में, तो ऑलमोस्ट 4 से 4,4200 के करीबन इतना सवाल समझ लो आप, वो इंडो जी के जो जो उनका सिलेबस है, ठीक है, इतने सिलेबस का 10 दिन के अंदर उन बंदों ने इतने सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे अपने 9th-10th के सिलेबस का। तो आप सोच लो कि आप लोगों का करो मेरो सीरीज में इतने तो नहीं हो गए, आपके 85 है, तो ना तो ना करते कम से कम चलो ना 2000 बर्बाद भी मान लेते हैं हम लोग, 2000 कम से कम सवाल 10 दिन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। यूसुफ सही कह रहा है, तो करो भरना भरूं भरो। तो ये है मेरा मेन अभी मोटिव, तो बहुत तरह तरह का चीज है यार, मतलब मैं एक्सपेक्ट किया हूं। वैसे मैंने क्या सोचा हुआ करो मरो सीरीज में, हिंदी के 20 सवाल, इंग्लिश के 20 सवाल, टॉपिक को मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग है ना पहले आपसे डिसाइड होगा, उसके बाद लॉन्च होगा करो हमारा सीरीज, 20 हिंदी 20 इंग्लिश 20 उर्दू, जो भी टॉपिक होगा 10 टॉपिक जो सिलेबस है 10 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा मैथ के 50 सवाल और साइंस के 50 सवाल, हर दो दो चैप्टर एक एक चैप्टर जैसे भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया करीबन 160 सवाल, 160 × 10 करीबन 1600 सवाल हो गए, 1600 सवाल हो गए, 5 टेस्ट भी होगा तो 500 सवाल और हो गए, तो करीबन 2100-2000 सवाल तो हम लोग 10-15 दिन के अंदर उधर रिवाइज करेंगे करो या मरो सीरीज के अंदर कुछ बच्चों ने तो पूरे साल इतने सवाल नहीं किए होंगे, सही कह रहे हो, पूरे साल इतने सवाल नहीं किए होंगे जितने मैं आप लोग करा दूंगा। तो ये मजा आएगा ना यार, सब जब मिल बैठेंगे हम दो यार, नहीं हम तीन यार, आप हम और हमारे सवाल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, बेसिकली यही बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि अच्छा मौका है, आप अपना कम टू द टॉपिक, एक्जैक्टली सरफराज आ रहा हूँ, ठीक है, आप ज्वाइन करें, ज्वाइन कराएं, आपको शायद आपका दोस्त हमेशा याद करेगा क्या यार सही जगह आपने, चल कोई नहीं यार कम से कम, क्योंकि मेरे को पता है इससे सस्ता तो नहीं हो सकता कोई चीज, और भी सस्ता कर सकता हूं, और भी सस्ता करता हूं डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट का नीड क्या है। चीज को अगर आप बहुत सस्ता कर देते हो ना तो लोग क्या समझते हैं, अबे यार ये तो ऐसे ही कंटेंट होगा, ऐसे हवा वाला, ऐसे फ्री पॉकेट में ऐसे बांट रहा है, इसलिए लगता है आपको ऐसा हवा वाला कंटेंट है आपके। अच्छा आप गौर फरमाइएगा, मैं आपका मैम का उर्दू वाली मैम का कंटेंट नहीं डाला हूँ, उर्दू वाली मैम जो आपको चैप्टर का लिख लिख के दे रही है वो नहीं डाला हूँ, मैं अपने इंग्लिश का पैकेज जो आफ्ताब सर ने दिया वो नहीं डाला हूँ, अभी हिंदी वाली मैम भी आपके लिए कुछ बना रही है वो नहीं डाला हूँ, बस जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो और आपके जो डीपीटी है वही खाली मैंने अपलोड किया हुआ, ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस किए हुए,
ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन देखा, स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर देखा, पूरा बात किए थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह वगैरह। एक डिफिनेशन बाकी रह गया था ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो जरा मेरे को पढ़ा लेने दो इस टॉपिक, उसके बाद हम आपका चैट खोलेंगे, उसके बाद समझ लेना कि रेशनल नंबर डेसिमल के हिसाब से कैसे होते हैं। ठीक है, डेसिमल के हिसाब से रेशनल नंबर कौन से? तो डेसिमल के हिसाब से अगर हम बात करें सर, तो डेसिमल के हिसाब से डेसिमल के पहले खानदान से मिलते हैं ना, डेसिमल के खानदान से मिलते हैं। वैसा डेसिमल दो तरह का ना, डेसिमल चचा दो तरह के। एक भाई साहब होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। शॉर्ट में चाहो तो डिफिनेशन लिख सकते हो, डेसिमल दैट एंड्स, डेसिमल दैट एंड्स, या अंग्रेजी वर्ड लिखे दैट टर्मिनेट्स, चाहो तो लिख सकते हो डेसिमल दैट टर्मिनेट्स। वैसे डेसिमल जो अपने आप को खत्म हो जाए उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई अब नॉन वर्ड लग गया तो उसका सिंपल मतलब दैट नॉट टर्मिनेट्स है ना, दैट डू नॉट टर्मिनेट्स। सर एक बार दिखा देना मेरे को, या मैं देख ले, सही लग गया ना सारा फोल्डर वगैरह, दैट डू नॉट टर्मिनेट्स है ना। कॉल कर लो एक बार, है वही नंबर है, अभी एक बार चेक करते रहो। सही, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके इंटो 16 मिनट में शुरू हो रहा सर। तो दैट टर्मिनेट्स दैट एंड्स खत्म हो जाए। एग्जांपल क्या सर, एग्जांपल क्या, सिंपल समझना और अपने आप बताना कि क्या लगता है ये जो डेसिमल है जो टर्मिनेट कर रहा है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, समझने वाली बात है। मैंने एक नंबर लिखा 8/5, ऐसा ये डेसिमल कहां है, तो फ्रैक्शन है, अरे कर लो डेसिमल में चेंज, करते हैं डेसिमल में चेंज। पांच से काटा एक बार में, कैरी हुआ तीन, तीन का डिसमल आ गया, तीन का 60 हो गया, 1.6 हो गया डिसमल फॉर्मेट इसका। तो सर एक फ्रैक्शन था जो लिखा हुआ था 8/5, उसको डिसमल फॉर्म में मैंने 1.6 लिख दिया। तो क्या ये 1.6 यहीं से निकल के आया है, तो क्या यहीं से वो वापस लौट नहीं सकता है, जा घर का रास्ता भी दिखा देते हैं वापस। बोला हाँ सर बिल्कुल, एक जादू मंत्र का खेल है सर, पॉइंट ऐसे उड़ाइए और नीचे 10 लगाइए और फर्दर सिंप्लीफाई कर ले जाइए, दू से काट लिया तो देखिए 8/5 वापस लौट के आ गया अपने घर, घर वापसी हो गया इसका। तो वैसे डिसिमल जो खत्म हो रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 6.325, इतना बड़ा सा डिसिमल लिख दिया मैंने, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका सिंपल मतलब है कि डिसिमल खत्म हो चुका है। का इस नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं, क्या ऐसा नंबर रेशनल नंबर होगा? बोला बिल्कुल सर, जादू मंत्र खट सौ उड़ाया, डिसमल का एक लगाया और 1, 2, 3, 0, ये बचपन में बड़ा मजा आता था, इतना लिख दिया, हो गया पी बाय क्यू फॉर्म। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो सबको दिख रहा ना सर सिंपलेस्ट नहीं है, तो कटम पिटिम कर लेना आप लोग, सब में माहिर हो, सिंपलेस्ट ले आना, लेकिन है तो रेशनल नंबर। मतलब क्या, मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है, अभी नोट में लिखवा दूंगा मैं, दे आर ऑल रेशनल नंबर्स, जितने भी टर्मिनेटिंग हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। चलिए मान गए आपकी बात। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में क्या कहते हैं मास्टर जी, हैं नॉन टर्मिनेटिंग? अभी हम आपके आपके अंतरात्मा को शांति देंगे, अभी रुक जाओ, चैट बंद कर रखा है मैंने, पहले पढ़ा लेने दो, और उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना आपको नाइन्थ में जाना, मैं हल्का सा टच करके खटक सर निकल जाऊंगा, नाइन्थ में नहीं जाऊंगा, आएगा ही नहीं सवाल, और आया नहीं 10-12 सालों में, एक बार भी आ जाता तो मैं कर लेता, और अगर एग्जाम का डेट लेट हो गया तो ऑब्वियस बात, सिलेबस खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट ऑन आवर नाइन्थ क्लास वाला पार्ट। और तुलू बैच के बच्चों के लिए बहुत दुआओं वाली बात है कि दुआ करें कि लेट से एग्जाम हो, ताकि अभी से वो लोग नाइन्थ भी पढ़ लें हमारे साथ साथ। तो नॉन टर्मिनेटिंग भाई साहब दो तरह के होते हैं, है ना। अब आप लोग अपना कैमरा दायां बायां शिफ्ट कर लें ना, क्योंकि आज टीचर आ गया नया वाला, नहीं आया तो एक बार बता दे, मैं ऊपर लिख दूंगा, लो चैट सेक्शन थोड़ा देर के लिए ऊपर लिखूं या यहीं नीचे लिखूं, चलेगा सर? नीचे लिख लीजिए, चलेगा। चल नहीं, बाकी लोगों ने ऐप अपडेट किया कि नहीं किया? दौड़ेगा सब, चलेगा, नीचे लिखें चलेगा, चल चलेगा मास्टर, ऊपर, अच्छा ऊपर लिख दे, चलो अब एक भी बंदे ने ऊपर कह दिया तो ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, लो ऊपर से भी और ऊपर, ये बात मैं बता रहा था, बहुत शानदार बात। ले भाई साहब ए ऐसे खटक सा, ये भाई साहब ऐसे खटक सा। नॉन टर्मिनेटिंग जो ऐसा नंबर, जो ऐसा डिसिमल, डिसिमल नंबर नहीं बोलेंगे, डिसिमल जो अपने आप को खत्म ना करे, बस हम ना खत्म करेंगे, जाओ हमने लिख दिया 1.6
3 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
बताया था, तीन डॉट का मतलब होता है इसी अंदाज में आगे बढ़ते जाओ, तो थ्री डॉट एंड सो ऑन। कहते सर हाँ सर ये तो खत्म ही ना हो रहा है, एक ऐसा फ्रैक्शन है सर, अगर हम इसको फ्रैक्शन में ले जाना चाहें तो इसका फ्रैक्शन बन सकता है। बोला हाँ यही हम नाइन्थ क्लास में सीखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट दिस हुक्का बार। हुक्का बार नहीं, इसको बार बोलते हैं, हुक्का बार मत बोल दियो, हुक्का बार मतलब इस बार को, इसको हम रिपीट अगर कर रहे हैं, तीन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें तीन पे हमने हुक्का बार चला दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं तीन पे बार। तो दिस तीन पे बार वाले को हम नाइन्थ क्लास में सीखेंगे, वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म। अच्छा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग या इन शॉर्ट इसको अगर मैं रिपीटिंग डिसमल बोल दूं तो ये वाले भी भाई साहब बड़ा मजेदार, ये वाले भी यानी अभी आपने सिखाया नहीं है लेकिन बस इतना जरूर बता दिया है कि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, नाइन्थ क्लास में सीखेंगे हम लोग। वैसे इसका ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन ट्रिक तो तब समझ में आएगा जब बेसिक में पसीना बहाएंगे हम लोग, तब ये बाद में बात करेंगे। सैफ लिख लेना, फविया लिख लेना, रिमसा तो अब गई है जामिया में एडमिशन लेने, जो मॉनिटर रेहान लिख लेना कि सर वो टाइम बचा हुआ है आपको ट्रिक सिखा देना, टर्मिनेटिंग वो रिपीटिंग वाले को कैसे पी बाई क्यू को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो जो टॉपिक मैं लिखवाते जा रहा हूँ ना लिखते जाना पीछे, सर सिखाना है आपको, बाई चांस आ गया तो हम नवाब सर के स्टूडेंट हम रिस्क नहीं लेंगे भाई, टाइम है हमारे पास, हम काहे छोड़ेंगे सब चीजें, ठीक है, क्योंकि है खटक सा वो टच करके आपके सिलेबस में निकल रहा है, तो उससे जस्ट एक लांग आगे फांग गया तो एक आगे बढ़ गया। तो अब इस नॉन टर्मिनेटिंग को एक और तरीका देखो, मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ 2 3 5 7 5 7 5 7 5 7 एंड सो ऑन। आई सर ये नंबर में क्या ऐसा डिफरेंट है, ये देखिए आप ये नंबर भी तो आप अगर सही से देखेंगे तो ये भी तो रिपीट हो रहा है, देखिए 5 7 5 7 5 7 5 7। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको रिपीटिंग फॉर्म में यानी बार के फॉर्म में अगर लिखो तो कैसा दिखेगा, 2.3 और 5 7 बार बार रिपीट कर रहा है ना 5 7, तो 5 7 पे हुक्का बार लगा दो। हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं, मतलब ये भी रिपीट कर रहा है, बोला हाँ रिपीट कर रहा है, तो इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, मुझे ना पता कि क्या है लेकिन खामोखा लिखना क्या छोड़ दो, बस इतना हमें पता है कि दिस नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, इसलिए इसको भी हम रेशनल नंबर में लिखते हैं। अब इसके भी दो बाल बच्चे हो गए, कल को इस दो बाल बच्चों में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बात एकदम सिंपल है कि आप इन दोनों नंबरों को अगर देखें, ये इस नंबर को देखें और इस नंबर को अगर आप देखें, इस डिसमल को अगर आप देखें, तो इस डिसमल में क्या, गौर सुनना आप, नाम एकदम तो बहुत सिंपल है ना, मैथ्स में तो नाम बहुत कम है, ज्योमेट्री में ज्यादा आता है, मेंसुरेशन में ज्यादा आता है, यहां पे तो नाम वगैरह बहुत कम है। डिसमल के तुरंत बाद अगर रिपीटेशन शुरू हो जाए, जैसे यहां पे डिसमल के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो गया, वैसे लिखना भी ये गलत है अगर आपने डिसमल बीच में लगा दिया है, डिसमल वर्ड ना हम नीचे ही लगाते हैं अक्सर, है ना, डिसमल और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा यही फर्क हो जाता है। 1.33 लिख दिया हमने, ठीक है, तो 1.33 ऐसे चल रहा है, तो डिसमल के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो गया दोस्तों, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं प्योर रकरिंग या रिपीटिंग डिसमल। तो प्योर रिपीटिंग डिसमल आरडी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, प्योर रिपीटिंग डिसमल, डिसमल के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो जावे। अच्छा डिसमल के तुरंत बाद रिपीटेशन ना शुरू हो, देख ये वाला सवाल, डिसमल के तुरंत बाद तीन आया लेकिन तीन अब रिपीट में नहीं जा रहा, आगे चलते जा रहा, रिपीटेशन डिसमल के बाद ही, याद रखना डिसमल के बाद ही रिपीटेशन, डिसमल से पहले वाला नहीं। अच्छा सर मतलब डिसमल से पहले अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4343.275, अब तो ये नंबर देखिए डिसमल से पहले रिपीट कर रहा है, तो ये याद रखेंगे आप, ऐसे नंबर को हम रिपीटिंग नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग तो डिसमल के हिसाब से होता है ना सर, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, अगर गौर से देखिए डिसमल के तुरंत बाद 1 2 3 डिजिट में खत्म हो रहा है मामला, तो ये रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग का ही एग्जांपल है, तो इसको भी टर्मिनेटिंग के नीचे ही एग्जांपल उतारना, अगर उतारना उस वक्त तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डिसमल, ये टर्मिनेटिंग का ही एग्जाम्पल है। अच्छा सर अच्छा एग्जाम्पल बता दिया आपने, तो एक बात तो क्लियर हो गया सर, एक होता है आपका प्योर मतलब डिसमल के तुरंत बाद रिपीटेशन, और एक होता है इम्प्योर, है सिंपल ना वर्ड है,
प्योर है, प्योर दूध और एक इम्प्योर पानी मिला दिया गया है, मतलब डिसमल पूरा अच्छे से डिसमल नहीं है, रिपीट कर रहा है, तो इम्प्योर रिपीटिंग डिसमल, इम्प्योर होगा तो डिसमल के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू नहीं हो रहा होगा। तो एक बात तो हमने जान गए सर, डिसमल के दो खानदान, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो खानदान क्या है सर, नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग या रिपीटिंग, उसके भी दो बाल बच्चे हुए, एक को कहा गया प्योर प्योर और एक को कहा गया इम्प्योर। अब एक और सर, यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग के दो बोला आपने, नॉन टर्मिनेटिंग में रकरिंग हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रकरिंग हो जाए, नॉन रकरिंग ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, इसका दूसरा नाम ऐसे भी बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसमल्स, ये हो गया इसका दूसरा भाई। अब इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये सिलेबस का पार्ट सब खत्म हो गया है, अब आपका है ना अंतरात्मा को हम शांति देने के लिए चैट खोल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो हैंड रेज या चैट सेक्शन में बात कर सकता है। सर ये कह सकते हैं कि एनी नंबर विच इज नॉट परफेक्टली डिवाइड बाय फाइव विल ऑलवेज कम वन प्लेस आफ्टर डिसमल, जो पांच से ना कटे, जो पांच से ना कटे वो डिसमल के एक तुरंत बाद आएगा, पांच से ना कटने वाला तो डिसमल एक तीन भी है, मतलब ऐसा अगर बात कर ले सर, दो बाईस बाई सात, लेकिन ये लिखा था 3.142857, तो ये एक डिसमल के बाद रिपीट तो हो ही नहीं रहा, शर्मा गए का नहीं ना, शर्मा ही नहीं है, सुकून लग रहा है चैट खुलने के बाद। हाँ वॉइस इज नॉट क्लियर, साहब क्या हो गया सर, टर्मिनेटिंग में हमेशा जीरो ही वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर, एग्जैक्टली मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह वो कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, मतलब आप समझ लो इट लीव्स नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर अपने आप को रिपीट नहीं करेगा बार बार, ठीक है। नहीं आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है, आवाज हाँ थोड़ा लो है, ऊपर मेरे को भी सिग्नल बता रहा है अब आप सही होगा, अब आवाज सही होगी, अभी बीच में लो हो गई थी आवाज। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल होगा, इसके बारे में मैंने अभी बात ही नहीं की। कृष्णा घोड़ा ज्यादा तेज नहीं दौड़ाने का, बराती लोग पीछे रह जाएगा बताते रहे, और जब आगे पहुंचेगा बहुत मारेगा बराती लोग बताते रहे, ठीक है। अब बताओ हिदायत ना 11वीं का है, हॉल टिकट के बारे में पूछ रहा है, इसका अपना डेट का फिक्र ही नहीं है, 11वीं का हॉल टिकट का पूछ रहा है कब आएगा। टर्मिनेटिंग अच्छा बच्चा है, गलती रिपीट नहीं करता है, ये भी अच्छा है, टर्मिनेटिंग अच्छा बच्चा गलती रिपीट नहीं करता है, इरेशनल है शायद। हाँ अबू जैद आ रहे हैं इसके बारे में, यहां तक उतार लो फिर हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। आ रहे आ रहे अरे आ रहे, हमें क्या हम तो करो या मरो सीरीज के क्वेश्चन आंसर देंगे सर की बैंड बजेगी पेपर बनाने में। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ सैफ अली, सच में सही करो ना, मैं करो ये मरो सीरीज में इतना सीरियस हूँ, मतलब मैं ना नींद एक दिन तो दो तीन तीन घंटे कितने बार हुआ, दो दो तीन तीन घंटे सोया हूँ। हो गया पक्का डन सर, सॉन्ट की प्रॉब्लम ओरिजिनल सॉल्ट इनेबल कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मनीष का कहना है जिसको भी सॉन्ट की प्रॉब्लम आ रही है वो ये वाला काम कर ले तो सही हो जाएगी। नबील कह नहीं सकते दोस्त, मतलब अरीब कुछ नहीं कह सकते यार। सिक्स बैच कब आएंगे, सिक्स का बैच अभी नहीं बना रहा मैं भाई, कसम से तुम लोग ना तुम लोग इतना तंग कर दिया ना, कसम से मैं तुम लोग के चक्कर में मैं सिक्स का बैच का बीच में हिम्मत हुआ था कि सिक्स का बैच बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग का मैं देखा यार तुम लोग इतना तंग करते हो, अरे सर ये नहीं हो रहा, अरे सर क्या हुआ, अरे सर ये हुआ, डिस्कशन में तो तुम लोग बराबर कर दिए, टेलीग्राम को तो पता नहीं क्या है सारा खर्चा उठा लिया तुम लोगों ने, ठीक है भाई। तो मैंने कहा ना भाई सिक्स का तो रहने दो यार, अभी नहीं, एक बार जब प्लान हो जाए उसके बाद। हो गया डन, चलिए टॉपिक से आते हैं, ठीक है नो वन, चलिए शुरू करें आगे। अब इस कहानी को अगले पेज पे लेके जाते हैं, ए सी देयर आए उधर किधर सर आए किधर ए उधर कहां उधर कहां, अच्छा इधर आ गया, ये रहा ये देखो इधर आ गया, ये इधर से ऐसे आया यहाँ पे, क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ ही साथ एंड लगा हुआ है और नहीं होता याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। आई कैसे डेसिमल्स है सर, जो मतलब खत्म ही ना हो और रिपीट भी ना करा, ऐसा दुनिया में भी नंबर है का? बोला हाँ बिल्कुल। आप ना एक नंबर देते हैं, आप सोच के बताना है आपको लगता है कि का ये रिपीट कर रहा है। सर देखने में तो लग रहा है रिपीट कर रहा है, लेकिन ना हुक्का बार हम जब चलाएंगे तो ना चल पाएगा। तो ऐसा नंबर देखिए, डबल जीरो है, फिर ट्रिपल जीरो है, फिर चार बार जीरो, फिर पांच बार जीरो, ना सर। और हम ना तो इसको जादू मंत्र से पी बाय क्यू के फॉर्म में ला पाएंगे, हमको पता ही नहीं कितने पे जाके खत्म हो रहा है। तो ऐसे डिसिमल को हम लोग कहते हैं ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। इसमें एक जीता जागता एग्जांपल सबसे प्यारा पाई का भी है, जो हुक्का पाई है ना, ये पाई चौको पाई के बारे में जो पढ़ते हो आप, ये वही वाला नंबर है जब इसका हम लोग डिसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, एक्चुअल डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, जिसके बारे में आप जानते होंगे। दिस इज 3.1415926 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है, पता नहीं कहां तक चलता रहता है। लोग कहते हैं, चैट का शांति दे रहा हूं मैं तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए, लोग कहते हैं कि पाई ऐसा नंबर है जो ना कहां तक, सुपर कंप्यूटर से भी वैल्यू निकालवाया गया इसका, सुपर कंप्यूटर भी थक हार के बोला अब बस हम इससे ज्यादा ना निकाल पाएंगे भाई। ठीक है, पाई की वैल्यू चलते रहता है, ठीक है, इतना चलते रहता है कि लोग इसको याद करके अपना रिकॉर्ड बनाते हैं कि आप ना मैंने 1,00,000 प्लेसेस तक इसके प्लेसेस पे याद किया हुआ। अभी रिसेंटली किसी ने 2016 या 17 में एक पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, उसने 1,50,000 प्लेसेस तक, 1,50,000 प्लेसेस तक, ठीक है, 1,50,000 प्लेसेस तक उसने पाई की वैल्यू याद की हुई। आई भाई ये भी सब बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं, हमने भी अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ, हमको भी 8 प्लेसेस तक याद है, इससे ज्यादा आगे हम ना गए, 8 प्लेसेस से ज्यादा जरूरत ही ना पड़ता है, काहे नहीं पड़ता है यार, देखो आप हमारे सिलेबस में इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, 50,000 मुझे याद है, ब्रेक हो गया रिकॉर्ड, ठीक है, हाँ इससे ज्यादा हम रिकॉर्ड ना बनाते भाई, बढ़िया है, हमारे इतने ही काम का है, ठीक है। अब पाई का जो वैल्यू है, लो एक कट पेस्ट मार रहे हैं सब लोग नेट से, 1415926535897932833, देख के तो हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पाई के बारे में आपने जाना, एक और नंबर मिलवाता हूं मैं आपको जिसको रूट टू कहते हैं, सुनना बहुत गौर से, रूट ऑफ टू जो है जिसकी वैल्यू होती 1.414, इसके आगे भी ना याद है हमको, इससे ज्यादा जरूरत ही ना पड़ा, एंड सो ऑन, ठीक है। आ रहे फबिया, आ रहे अभी, मैं वहीं पे आ रहा हूं, टेंशन ले रही है, ये चैट को आपको बंद कर रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं मैं, बहुत शानदार सवाल पूछा है आपने, ठीक है। यहां देखेंगे आप, ये रूट टू भी जो नंबर है ना, या ये रूट थ्री लिखते हैं आप, 1.732 एंड सो ऑन, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सीख चुके हैं आप, टू का लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, जितना भी पेयर बनाना चाहो बना लो, इस तरह से पेयर बना के इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, आप करते जाओगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। रूट थ्री के लिए भी ये सेम बात होगा, ठीक है। और भी मैं ऐसे जनरल नंबर ले लेता हूँ, ऑलरेडी भी मैंने लिख दिया 47983, अपना नंबर लिख दिया 7906839480, है ना, कोचिंग का भी नंबर लिख दिया 8077938908, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते गया, कोई पैटर्न ही ना समझ में आ रहा, चलते जा रहा है ये। अब ऐसे नंबर जो ना तो खत्म हो रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना खत्म हो रहा मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसे नंबरों को ही दुनिया ने नाम दिया है इररेशनल नंबर, ऐसे को ही हम लोग इररेशनल नंबर कहते हैं। सर रूट टू इररेशनल क्यों है, क्योंकि इसका डिसिमल एक्सपेंशन किया गया तो पता चला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया। सर रूट थ्री इररेशनल क्यों है, क्योंकि इसका डिसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया, इसलिए ये इररेशनल नंबर है। अच्छा, अगर एक जादू मंत्र नवाब सर का ट्रिक की बात करो, एक छोटा सा ट्रिक है, क्लास टेंथ में पूरा का पूरा एक पेज का सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, सुनना, प्रूफ दैट रूट थ्री इज एन इररेशनल नंबर, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अंदर ये प्रूफ आता है कि प्रूफ रूट थ्री इज एन इररेशनल नंबर। बच्चा लोग कहता है लेट इट बी अ रेशनल नंबर, कंट्राडिक्शन करके कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग 9th क्लास में सिखाऊंगा मैं,
कंट्रडिक्शन नाइन्थ क्लास से आप जान जाओगे अच्छे से, क्या हम इसको कंट्रडिक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है, ठीक है, उसके बाद आगे बिला 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 चीजें चलता रहेगा, हम मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है, ठीक है। पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी योर व्हाइट बोर्ड, पहले भी तो सी कर रहे थे भाई, अब क्या कर दिया तुमने, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट रेशनल इट इज इरेशनल, हाँ ठीक है, मान के पाई की वैल्यू निकाल दिए तुम लोग, इधर कैट कॉपी पेस्ट मत करो, इधर ध्यान दो आप जरा। तो बच्चा लोग पूरा एक पेज में पूरा कैलकुलेशन करता है, उसके बाद बोलता है कि हाँ सर हेंस प्रूव्ड, हमने माना था ये रेशनल है लेकिन वो गलत निकल के आ गया, तो ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है, ठीक है, हाँ सही कह रहा है, ये इरेशनल है। गौर से इधर सुनना, मैं एक लाइन उन लोगों को बोला, अरे भाई तुम लोगों ने मेरे से प्राइम नंबर पढ़ा है, बोला हाँ सर पढ़ा है, तो बस याद रखना रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जावे तो ये नंबर परफेक्ट इरेशनल नंबर होता है, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जावे तो परफेक्ट इरेशनल नंबर होता है। तो सर अगर एग्जाम में हम ऐसे करके आ जाए, देखिए तीन ना सर एक प्राइम नंबर है और वो रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ प्राइम नंबर, तो परफेक्ट ये इरेशनल नंबर होगा, टीचर नंबर देगा, हाँ बिल्कुल देगा, चार में से रूट ऑफ जीरो देगा ना तेरे को, कहने देगा रूट ऑफ जीरो, ये भी देखो बड़े आराम से रूट के अंदर दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, या कोई टीचर थोड़ा सा भोला भाला सा होगा बोलेगा ले बेटा कोई नहीं रूट वन का स्क्वायर ले ले तू, ऐसा भी कर सकता है, तो ऐसा भी नंबर मिल सकता है आपको अगर आप ऐसा लिख के आ जावे तो। अब एक बच्चा बोला ना सर आपकी बात हम मानते हैं, आप बोल रहे हैं तो हम बिल्कुल एग्जाम में करके आएंगे तो क्या दिक्कत है, बोला ना बिल्कुल करके आइयो, और उसको बोलियो टीचर को hey मास्टर जाओ जाके एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पेज नंबर 11 लाइन नंबर 3 या 4 में ये बात ना लिखी हो तो अपना मुछुआ मुड़वा देंगे हम, क्लास 10th में ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर हो तो परफेक्ट वही रेशनल नंबर होता है। तो हम जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो इतना लंबा प्रूफ काहे कर रहे हैं, ठीक है, इतना लंबा प्रूफ क्या कर रहे हैं, बस वही बोर्ड वाला चाहता है कि आप ऐसे ही करके आओ तभी हम नंबर देंगे, यही तो डिफरेंस हो जाता है बोर्ड के बच्चों के लिए और कंपटीशन के बच्चों के लिए। कंपटीशन का बच्चा बस ये याद रखता है हाँ भाई रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल होता है, और अपना बोर्ड वाला हाँ ना प्रूफ करो, समझे सर, ये नहीं कह सकते कि उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, हाउ यू कैन शो दैट द नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सेल्फ, कैसे करो एकदम पूरा, ठीक है। तो अच्छा एक और बहुत शानदार बात होता है, आप लोग जब बोर्ड्स का ना आप नाइन्थ में होगे तो ऑब्वियस बात है, अभी मैं आपको सिर्फ प्लानिंग किसकी दे रहा हूं, मैं आपको सब वो ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे हम सवाल को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप नाइन्थ फाउंडेशन मेरे को पढ़ोगे ना तो मैं पहले आपको उसको वो फोकस करूंगा कि इसको बोर्ड्स में ज्यादा अच्छे से, देखो मैं कितना भी खराब राइटिंग से लिखता हूं नोट्स कितना खराब बनवा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन वही आप जब आप फाउंडेशन में आओगे मेरे पास तो एकदम सिस्टमेटिक तरह से नोट्स चलेगा ताकि आप बोर्ड्स में पहले अपने स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो हाँ यही बात है, तो एक बहुत शानदार नोट अगर चाहो तो ये नोट उतारने वाली बात है, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है बच्चा लोग, ठीक है, मान गया सर आपकी बात। अच्छा सर अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर हो जाए तो क्या कहते हैं आप लोग बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर हो जावे तो रेशनल या इरेशनल, रूट के अंदर कंपोजिट हो जावे तो रेशनल या इरेशनल, Maybe rational or irrational, क्या बात बोला है? अगर ये हो गया रूट चार, अगर ये रूट चार हो गया तो चार तो कंपोजिट है लेकिन रूट से बाहर आके दो बन गया, और अगर ये रूट नौ हो जाए तब भी ये तीन बन गया, लेकिन अगर रूट छह हो जाए, रूट छह लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा सर, तो रूट छह अगर हो गया तो ये रेशनल नहीं, अब ये इरेशनल रहा। कहने का मतलब अगर कंपोजिट नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर पहले पढ़े, वो नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। रूट जीरो क्या है, बिल्कुल कृष्णा, रूट जीरो रूट से बाहर निकल गया दोस्त, जीरो है और जीरो अपॉन वन के फॉर्म में लिखा जा चुका है तो बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। तो रूट ऑफ कंपोजिट नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इरेशनल, खत्म कहानी। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रेशनल, क्या बात बताई सर आप, मजेदार, मजा आ गया, ठीक है। एक साफ शब्दों में अगर इन सब को मैं एक बात में निपटाना चाहूं, समझ में बहुत कम लोग को आएगा,
बहुत कम लोग का आएगा, लेकिन अगर वो मेरा बीएमएस का लेक्चर देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं कि ना नवाब सर ने बहुत अच्छी मेहनत की है मेरे लिए, जाके इसको देखते हैं अगर, तो उसको बीएमएस के लेक्चर में सर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। सर रिचार्ज नहीं हो रहा है, ट्राई किया समय, सर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। कहते हैं nth रूट ऑफ a अगर है तो ये a के पावर 1/n होता है सर। अगर ये रूट सॉल्व होके बाहर निकल गया, ठीक है, अगर ये रूट सॉल्व होके बाहर निकल गया यानी परफेक्ट ये रेशनल नंबर बन गया, ठीक है, रेशनल नंबर बन गया, तो ये जो है ये सर्ड नहीं होगा। तो सर्ड होने के लिए, ये सर्ड होने के लिए ये पूरा का पूरा नंबर को इरेशनल होना पड़ेगा। तो ये सर्ड की कंडीशन नहीं है, ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। रूट के अंदर लिखा हुआ चीज रूट से बाहर नहीं आना चाहिए, सिंपल कहानी, ठीक है। रूट के अंदर का लिखा हुआ चीज रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर रूट से बाहर आ गया तो रेशनल, जैसे ये आ गया रूट चार रूट नौ रेशनल। अरे सर रूट आठ को तो देखिए आप, रूट आठ को लिख सकते हैं चार इंटू रूट दो, गलत, चार इंटू दो का रूट, ये चार बाहर निकल के दो बन जाएगा और ये अंदर रूट रह जाएगा। तो ये तो देखिए ना, रूट से बाहर तो आ गया ये दो, अब रेशनल है या इरेशनल है? अरे सर रूट टू तो अभी भी रह गया है अंदर, रूट टू का अगर गौर करें वो अभी भी अंदर अटका हुआ है बेचारा, तो ये नंबर अभी भी ये इरेशनल है। मैं कह रहा हूं कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा नंबर बाहर आ जाए, ठीक है, तो रेशनल। अगर वो अंदर ही के अंदर अटका रह गया बेचारा तो वो इरेशनल। तो ये सब नोट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑल सर्ड्स आर इरेशनल, ये सारे नोट्स में काम हो जाएगा। जितने भी सर्ट्स हैं, ऑल सर्ट्स आर इरेशनल, आपको इतना से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इतना से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यूब रूट में भी, वलीउल्लाह क्रूल क्यूब रूट में भी, एग्जांपल दो समझो, सिंपल समझो आप, क्यूब रूट ऑफ एट लिखा हुआ है तो ये बाहर हो गया तो रेशनल, रेशनल। अगर वही क्यूब रूट ऑफ नाइन दे दू मैं, रूट से बाहर होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, तो ये हो गया इरेशनल। पूछो और डॉट, और पूछो आप रूट माइनस सिक्सटीन, पहली बात रूट माइनस सिक्सटीन आपका रियल नंबर है ही नहीं, दिस इज नॉट रियल तकीउद्दीन। तो रियल जब है ही नहीं तो रेशनल इरेशनल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एकदम सही बात बोल रहा है सैयद अबू ज़र कि अगर वो इरेशनल है तो हमेशा वो रूट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में होगा, ये कहना गलत, एकदम सही बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने कुछ शानदार शानदार नोट सीखे हैं, जल्दी से इसको लिख लो, तो एक छोटी सी बात में हम बात करेंगे। बिलाल अभी तक तू इन्फिनिटी के पीछे पड़ा हुआ यार, पक्का जिससे तू शादी करना चाहेगा कम चांसेस है कि शादी हो पाएगी उससे, ठीक है, वो भागते रहेगी तेरे पीछे का, खाली इन्फिनिटी के पीछे पड़ा हुआ, इन्फिनिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हाँ तहा, अब ये सर्ड्स क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए क्लाइमेक्स को देखें आप, मेरा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का लेक्चर देखें आप। ये सर्ड्स का इनडायरेक्ट मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, रूट के अंदर चीज को अटका हुआ है, रूट से बाहर ना निकल पा रहा तो वो सर्ड है, ठीक है। नहीं एकदम गलत है साहिल, अगर क्यू जीरो हो जाता तो वो इरेशनल नहीं होता, है ना। साहिल कह रहा है कि सर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है रेशनल, अगर क्यू जीरो हो जाता, क्यू नहीं जीरो होता तो रेशनल, और अगर क्यू जीरो हो जाता तो वो इरेशनल, कहना महागलत है। क्यू जीरो हो जाता तो उस केस में वो नॉट डिफाइंड हो जाता। अरे मैं ये कह रहा था कि अगर कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तो वो इरेशनल है, तब तो वो इरेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, तो वो रेशनल भी हो सकता है। राउंड ऑफ नहीं करेंगे अरकम, राउंड ऑफ करना इज नॉट, राउंड ऑफ क्या है अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। लास्ट सवाल बस, इरेशनल के बारे में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में, जो कि गलत है, ठीक है। आमीन आमीन आमीन। रेशनल नंबर की जन्नाती एंड इरेशनल नंबर की जहन्नमी, ए ये क्या कह रहा है भाई साहिल, तू तो उर्दू वाले अल्फाज यूज कर रहा है। आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम ऑल द टॉपर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव languages, languages में जो टॉप करते हैं उर्दू वाले लोग, आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम योर साइड, उर्दू हिंदी वाले लोग एंड इंग्लिश वाले लोग, जिसकी इंग्लिश अच्छी लगती है कि हाँ सर मेरे इंग्लिश अच्छी है, नो आई फॉर करो या मरो सीरीज, आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम दैट देम, है ना, उनसे मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट वो लोग मेरे को सवाल अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराए ताकि हम सही से सारे मामला को सेट कर सके। मैं रोजी को एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ,
एक्सेप्ट है ना। चलिए चलिए फबी, अच्छा है, गुड। हमारी कुछ अच्छा नहीं है। चैट सेक्शन को लगाम आप लोग उतार लिया या सुनो, डन करेंगे आपको कि ना, ये टॉपिक के बाद मैं थोड़ा सा पूर्ण विराम लूंगा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा लेने के बाद, उसके बाद फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा सवाल अगर आया है तो यहां से नहीं है, सबसे ज्यादा सवाल इसके प्रॉपर्टीज से, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो बात है इसकी बात कर रहे हैं। डन डन, जल्दी उतार लें आप जो जो बातें, मैं थोड़ा अनसिस्टमेटिक चलाऊ, ठीक है। हिंदी पूर्ण विराम, ठीक है, आप लोगों को देना है मेरे को क्या क्या देखना चाह रहा था, भूल गया। ए मुबशिरा मारेंगे ना झूठी ने, तो कोई लैंग्वेज ही अच्छा नहीं है इसका, नंबर 77 77 77 आ रहे हैं और लैंग्वेज ही अच्छा नहीं है इसका। नहीं नहीं मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पॉकेट बुक का कंटेंट चाहिए आपको, पॉकेट बुक का इन चैप्टर का कंटेंट चाहिए क्या, एक्स्ट्रा हो जाएगा आप लोग के लेवल में, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, आप पढ़ना पसंद करोगे या फिर रहने दो, इतना दे दिया काफी है, चलेगा। उर्दू की पीडीएफ जाते जा रहा है तो फैल, आप देखो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। थ्योरी शीट आपको दे रखा हूं मैं यार, चैप्टर का थ्योरी शीट दे रखा हूं, काफी है। आप और नाइन्थ क्लास में ना, नाइन्थ क्लास में मैं आपको दूंगा ना, क्या टेंशन ले रहा हूं। माई ब्रेन शॉर्टेज गॉड फील्ड। अच्छा चले, एक बहुत शानदार सवाल से ये रेशनल इरेशनल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लगाम देते हैं ना, लगाम देते हैं। हाँ मैं आप लोग का ये देखना चाह रहा था, याद आ गया। मेरे गगन के तले माटी का प्यार पले, हाँ कहाँ थे हम लोग, क्या मैंने कुछ छोड़ा है, नहीं छोड़ा। फैक्टर और डिवाइजर का एक छोटा सा ट्रिक था जो कि आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बैच में पढ़ाया था, पुराने बैचेस में, तो आप जाके वो देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में थे क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल, यस सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल निपटाएंगे, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो मजेदार लगेगा, मजा रहेगा। चलिए ठीक है, लैंग्वेज अच्छा करने का तरीका कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेजेस खराब है। 0.65/0 इज नॉट डिफाइंड, गुलाम मुस्तफा इट इज नॉट डिफाइंड। हाँ अलवीरा बताइए, आप पक्का ऐसी बात बोलेंगे जो मैं करना नहीं चाहूंगा। सर हम यही सीख लेने वाले थे, अच्छा था सॉन्ग से, जब फ्री हो तो सुनाइएगा पूरा। पता है ना तुमको क्या लगता है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन हम नहीं समझ रहे हैं। सो सच में बहुत सो डीमोटिवेट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, चलो मोटिवेशन की बात अभी आएगी, पहले एक एक वाला सवाल। थैंक यू सो मच। सवाल एक सवाल, चलो एक सवाल देखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है छोटा सा सवाल है भाई, क्या कहती है पब्लिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये फॉल्स कह रहा है, ये बताओ, ये पहले ही कह रहा है कि फॉल्स, ये क्या हो गया यार, वायरस आ गया फिर से, ये आवाज का वायरस तो समझ में आता है यासिर है, ये बोर्ड का वायरस कौन है ये बताओ तो जरा, किसका चैट आता है जब बोर्ड में ऐसा हो जाता है, है ये कौन है, किसका चैट आया, ठीक है अच्छा देखो तो जरा, ए नासिर कौन है, नासिर भाई गलत कह रहे हैं सर आप, पाई तो इरेशनल होता है, पाई इज अ रेशनल नंबर। ए बीएमएस के पब्लिक शांत रहो, ये बीएमएस वाले पब्लिक है ना, ये लोग सब पहले से पढ़ा हुआ है सर, बोर्ड ब्लैक हो गया है, लो इसका ब्लैक का एक ही उपाय है, यही उपाय है बस, बोर्ड ब्लैक का उपाय यही है। चलो ठीक है, हाँ अरे एक बार में जवाब आ जाता है मेरे पास। गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं बी, कोई कह रहा है ए, हाँ मनीष ने कहा पक्का है, मे बी ए, मरियम का कहना है, बिलाल का कहना है सी, आसिफ का कहना है बी, जकरिया का बी, डेविड का बी, ए बाप रे बाप इतना जल्दी आ गया कि हम पढ़ ही ना पा रहे हैं।
बाप रे बाप, ए सी बाप रे, ए आराम से तुम लोग। दीपा बताइए, बताइए दीपा, आप जवाब देना पसंद करेंगे, बताएं। सर ए, सर पक्का ए है। पक्का एकदम ट्रू। आज हम आप लोग आपसे खेलते हैं, कौन बनेगा इस सवाल का विजेता, श्योर हैं आप? हम बोले नहीं, नहीं तुम मत बोलो, बिलाल बोले, तुम क्या बोलोगे? हम बोले अदीबा से बात कर रहे हैं। अदीबा, अरे मैंने बीएमएस नहीं देखा। अदीबा आ रही आवाज? यस सर। आप अभी नई नई ज्वाइन किए हैं इसलिए आप बहुत एक्साइटेड है, मजा आ रहा है आपको? हैं अदीबा, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा तो समझ में आ रहा है दीपा? ये बार आ रहा है। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये पढ़ा है ना? अच्छा तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने पाई की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखा था? 3.1415926 एंड सो ऑन। और पाई कैसा नंबर था, रेशनल या इरेशनल बताओ? पाई कैसा नंबर था? किसी का माइक ऑन है यार, बिलाल तुम्हारा माइक ऑन है यार। आप अदीबा क्या कहती है? अदीबा चली गई, अच्छा कोई बात नहीं। लक्ष्य से बात करें क्या? लक्ष्य बात करें क्या? ना ना ना, किससे? यस सर, सर तेरे से बात कर लेते हैं। चल ठीक है बता, पाई कैसा नंबर है? सर इरेशनल नंबर है सर, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा, क्योंकि 22/7 की वैल्यू होती है 3.142। अगर पाई की वैल्यू 22/7 तेरे हिसाब से क्या है? सर 22/7 एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक रेशनल है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, हम इसको इसलिए ए तो मतलब है ही नहीं। और सर वैसे ऐसा कहना कि ये दोनों बराबर है, मतलब दुनिया में आज तक कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ट्रू या फॉल्स? तो सर ए तो, यस सर सही है सर, तो यानी है सर मतलब जीरो होगा, जीरो को छोड़ के मेरे ख्याल से और कोई नंबर तो हो नहीं सकता, और पाई रेशनल नंबर नहीं है तो ए और डी तो ये दोनों ही गलत हो गए। ए जीरो वाला बंदा, दुनिया में ऐसा नंबर पैदा ही नहीं हुआ जो रेशनल भी हो जाए इरेशनल भी हो। वो जीरो के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने ऐसे बोल दिया सर। सर यानी कि ए और डी तो यूं ही हट गए, अब बचा बी या सी, तो हम 22/7 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 3.1428, मतलब इससे आगे मैंने अभी निकाला नहीं है। 22/7 की वैल्यू होती है 3.142857, ये लो मैं निकाल दिया तुम्हारे लिए। हाँ सर उसके बाद सर उस पे भी हुक्का बार 6 तक जाके रिपीट करता है, लो। और सर पाई की वैल्यू होगी 3.1415, तो इसके हिसाब से के बस इसका सिंपल मतलब यहाँ तक अगर आप देखें, यहां तक अगर आप देखें तो ये टू वाले भाई साहब है ना, ये यहाँ पे टू पे माजी मार गया, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो थर्ड प्लेसेस तक जाके आपको दिख जाता है कि 22/7 जो है वो पाई से बड़ा है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है। आपके दिमाग में जो कीड़ा डाला गया वो यही डाला गया कि बेटा पाई जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है, गलत है, महा गलत है। इसलिए गलत है, आप लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू दोनों के सामने लिखी। तो दिमाग से निकाल दे, पहली बार दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रेशनल भी हो इरेशनल भी हो। दूसरा, हाँ अगर ऐसा बोला जाए एन इरेशनल नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वेटेड टू अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वेटेड टू अ रेशनल नंबर, एकदम बात सही है, आप अप्रोक्सीमेटली इसको रेशनल नंबर इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यही यही बात अप्रोक्सीमेटली, एक इरेशनल नंबर को हमने अप्रोक्सीमेटली एक रेशनल नंबर से इक्वेट कर दिया जो पॉसिबल है पाई के हिसाब से एग्जांपल, ठीक है? तो इसीलिए आपके दिमाग में जो कीड़ा डाला गया उसको निकाल लो कि पाई इक्वल्स टू 22/7, 22/7 मेंसुरेशन में जो घुमाते रहते हो 22/7 वो इसलिए है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आए पाई की जगह जब भी आए 22/7 ले लेना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लेते हो और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ठीक है? तो ये मेरा कहने का मतलब है। सोफी कुछ इसके अलावा कुछ बोलना चाहते हो तो बताओ, या अगर इसी में से कुछ बात करना है तो हैंड्स डाउन कर लो। सोफी, अच्छा नहीं बोलना है, चलो मैक अनम्यूट कर देते हैं, बोलो दोस्त। अरकम को कुछ बोलना है? हाँ अरकम बोलो दोस्त। तो सर जो सर्कल का, जो सर्कल का, स्फीयर का, सिलेंडर का, ये सब जो होता है सर, ये सब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, तब पाई आ जाता है उसमें? तो नहीं, तो उसको हम पाई की वैल्यू पाई के टर्म्स में ही छोड़ देते हैं ना, उसको 22/7 लिखते नहीं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर,
मैंने कौन सा 22/7 आर स्क्वायर बोला, गलत बोला ना, हम तो पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। ओ, बाईस बाईस सात रख के सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर सॉल्व कर लेते हैं तो वो अप टू टू प्लेसेस ऑफ डिसिमल तक सही आंसर देता है। आज ही मैं 10th फाउंडेशन के बैच में एक सवाल करा रहा था, तो जब हमने 22/7 रखा तो आंसर आया 25.25। ऐसा कोई डेटा था, आंसर आया 25.25, लेकिन जब 3.14 रखा तो आंसर आया 25.27। अगर दोनों सेम ही होता तो आंसर भी तो सेम देना चाहिए था। जी 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 वही तो। ठीक है, अब आपसे एक पहला सवाल ये, दूसरा सवाल कृष्णा से ही, कृष्णा ने हैंड रेस किया है, इनफैक्ट कृष्णा पहले बताएगा। कृष्णा मैंने लिखा 3.14159265 है ना, बताओ रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल है, इरेशनल है ना सर? है दोनों है, तो रेशनल भी है इरेशनल भी है। और ना सर, हम तो नवाब सर के पार्ट में है, हम कुछ ना बोलेंगे कांड से। क्या कहते हैं पब्लिक, चैट सेक्शन पहले ऑन कर रहे तुम लोग के लिए, हम कृष्णा से बात कर रहे हैं। कृष्णा क्या कहता है दोस्त? इरेशनल है सर। पक्का इरेशनल है? यस सर, क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो बिल्कुल बिल्कुल ये पक्का इरेशनल होगा, सही है ना? कृष्णा सही कह रहा है, अरकम क्या कहता है दोस्त? सर रेशनल है सर। एक्सप्लेन। आप सर वो न, उसके आगे न डॉट लगाए न बार लगाए सर। बहुत नहीं, बार भी लगा देता तो रेशनल रहता। जी मैंने डॉट नहीं लगाया, इसका सिंपल मतलब है कि वो खत्म हो गया। जी ये मैं पाई की वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन लगाया हूं, मतलब ऐसे आगे चलता रहेगा और इसी के चक्कर में ये इरेशनल हो रहा है। अभी मैंने यहीं पे रुक गया हूं, ये पक्का मतलब है दिस इज अ रेशनल नंबर। 50% बच्चे आप लोगों में से गलत थे। देख रहे ओनली पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये पक्का दिमाग में, गुर्दा में, फेफड़े में, आंखों में, दिमाग नाकों में, जहां लिखना है लिख लो इसको। पाई इज एन इरेशनल नंबर, 22/7 इज अ रेशनल नंबर, वेयर द करेक्ट रिलेशन ऑफ पाई एंड 22/7 इज दिस, 22/7 इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम इसको बराबर लिखते हैं, सही याद रहेगा अब? यस सर। सर पाई की वैल्यू इरेशनल होगी, पाई की वैल्यू इरेशनल होगी। सैफ मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, अभी रहने दो ना, नाइन्थ में बात करेंगे इसके बारे में ना। नाइन्थ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3 या 5 सैफ बात करेंगे आराम से। ठीक है, लो इसको कट और पेस्ट कर दे रहा हूँ, रेहान ने बहुत अच्छा बात बोली है, लो कट देते हैं, लो कट और पेस्ट रेहान के हिसाब से, भाई टॉपर बंदा है, ख्याल रखना पड़ेगा ना, कल को बोलेगा नवाब सर मेरी बात ही ना मानते थे। ये लो रेहान ने तुम लोग के लिए कुछ कहा है, ये लिखा है पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर और पाई 22/7 से कम, पाई मतलब 22/7 ग्रेटर होता है, ये है हमें। जरा अब इधर ध्यान देंगे पब्लिक, है ना? ए बिलाल फिर पीछे पड़ गया तो इन्फिनिटी के, ये बंदा ना कसम से हाथ धो के पीछे पड़ गया, फैमिली वाले बहुत मारेंगे इसको। ये कौन बंदा जो बार बार पाई की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी डाल रहा है, कौन है ये, जरा देख तो लू मैं। ए डेविड क्या बताना चाह रहा भाई, तेरे को इतना डेटा याद है, है? क्या बताना चाह रहा है दोस्त, खामोखा। पाई की वैल्यू कहां से आई साहिल, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी मेंसुरेशन में बात कर चुके हैं, एक बार गौर से जाके देखना, मेंसुरेशन में बात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ बिना मतलब का, ये लोग बिना मतलब का फालतू चैट करते, इसलिए तो मैं चैट ऑफ रखता हूँ। ये चैट का सिस्टम ऑफ करना क्यों सीखा मैंने, पहले नहीं करता था मैं, पहले लोग फालतू बातें नहीं करते थे, अभी फालतू बातें करते हैं, इसको पिटाई होनी चाहिए, फिर गुस्सा नहीं हो जाऊंगा मैं, बहुत गुस्सा हो जाता हूँ मैं, पता नहीं तुम लोग को। तो इस पेज को जल्दी से उतारिए आप, और लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं दोबारा, और दोबारा पहले पढ़ेंगे इंसर्शन मतलब रेशनल नंबर को बीच में। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल कितने इरेशनल कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को आज मद्देनजर रखेगी अदालत। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभी आज ना बच्चे कह रहे हैं कि सर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, क्या करें क्या करें, जरा मैं मोटिवेशन आपके जरा मार्क्स को देख लूं एक बार ना, क्योंकि आप लोग के मार्क्स जरा देख तो लूं एक बार, कैसा था क्या था नहीं था, रिजल्ट लग गया। मुबशिरा को तो बड़ा बुरा लगा, सर ने बिना डिस्कशन के रिजल्ट लगा दिया, सर क्या कर रहे हैं आप, हैं डिस्कशन इतने दिल से किया मैंने, बताओ दिन रात एक किए हुए, और ये लोग ना कोई हल्का सा ये वैल्यू ना देता यार लोग।
डिस्कशन में रिजल्ट लगा, ये टेस्ट सीरीज वाले एकदम शांत, कुछ ना बोला कोई, कुछ ना, एकदम शांत बेचारे। बोला सर ये बताइए अगला टेस्ट का सिलेबस कहा, ये जरूर पूछ रहे थे अगले टेस्ट का सिलेबस क्या। सिलेबस रिवाइज किया मैंने, देख लीजिएगा आप लोग, एससीएफ एलसीएम में मैंने इंक्लूड कर दिया है। एक बुलंद अख्तर बच्चा है जो टेस्ट सीरीज का है, 78 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है। रेहान जिशान, जिशान जिशान किधर जरा जिशान से हैंड रेस कराना, जिशान जिशान उमर किधर हैंड रेस करें, हैंड रेस उम्मीद करते हैं। जिशान जरा वीडियो ऑन करना, तो वीडियो ऑन करना तुम जरा, शक्ल देखो। वालेकुम सलाम, शक्ल नहीं देखा हूं तुम, वो जिशान वाले तो नहीं हो, गया वाले जिशान। सर ये इससे पीसी का कैमरा थोड़ा खराब है सर। नहीं अच्छा पीसी, तुम गया वाले जिशान तो नहीं हो? नो सर। या जामिया वाले जिशान जो जामिया में देना चाह रहा था एग्जाम? मैंने नहीं दिया सर जामिया में एग्जाम। अच्छा जामिया का नहीं, चलिए अच्छा, बहुत शानदार परफॉर्मेंस लग रहा है। उदित 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 कहा उदित, हैंड रेस करो उदित, टॉप थ्री में रैंक माशाल्लाह, बहुत शानदार। ये उदित बंदा, ये उदित बंदा अभी 20 दिन पहले शायद ज्वाइन किया है ना उदित, वीडियो ऑन करना जरा, वीडियो ऑन करना जरा। अच्छा वायरस तुम्हारे तरफ भी है उदित। तनाज से मिला हूं मैं, नूरी इनमा से नहीं मिला, तनाज से भी नहीं मिला हूं उदित। अच्छा वीडियो नहीं आ रहा, चलो तुम लोग अभी इंट्रैक्शन सेशन करेंगे तो बात करेंगे। तुम्हारे यहाँ घर में लाइट, अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, ओहो क्या बात है। चलो ठीक है उदित, बात कर लेंगे आराम से। उदित नूरी इल्मा यासीन, कुछ नए लोगों को टॉप में देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, कुछ नए लोगों को टॉप में देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। मतलब कंपटीशन थोड़ा नया लोग आते हैं ना, जैसे ना सैफ नीचे गया, सैफ नीचे गया, आलोक नीचे गया, खुशी है इस बात को लेकर। शायद इन लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन मेरे को खुशी है कि यार इसको टक्कर देने वाले कुछ तो लोग आए हैं, है ना। अब आएगा मजा, अरे अब आएगा मजा अच्छे वाला। कहीं से पढ़ रहा हूं लक्ष्य को, दिक्कत नहीं। सालिक ने कह दिया अगली बार टॉप थ्री में, अब ये नहीं बोला कि नीचे से टॉप थ्री या ऊपर से टॉप थ्री है सालिक, ये बोलते हैं ऊपर से टॉप थ्री, ये वाली अच्छी बात है, ठीक है ये अच्छा है। और एक लड़की आई है नैयर शेख, वो भी थोड़ा सा टक्कर में, हाजरा फहीम भी है, ठीक है। मतलब अच्छे हैं बच्चे, बच्चे 75 तक पहुंच रहे हमारे पेपर में, तो मजेदार पार्ट है, मजा आएगा, है ना। कुछ लोग ही आए, कुछ लोग ही आए। आप लोगों में से कोई अपना बंदा जो मेहरान हसन और एक सुहानी, ये दोनों ने नाक कटवाया है, यूसुफ ने भी नाक कटवाया है, कैफ अंसार ने भी नाक कटवाया है, अजरा ने भी करवाया है, हुमैरा ने भी कटवाया है, ये सब लोगों के लिटरेचर में कम मार्क्स है, 6 लोगों के 10 में से कम मार्क्स है, ठीक है। तो हाँ करेंगे हम लोग थोड़ा इंट्रैक्शन सेशन करेंगे, इन काउंसलिंग की जरूरत है आप लोग की, मुझे पता है। बस हल्का सा मेरे को फ्रेश हो जाने दिए, एक बार करूंगा उसे से निकल जाने दिए, इस सैटरडे का इंशाल्लाह वादा नहीं करूंगा लेकिन करूंगा मैं, कुछ करना है आप लोगों का, ठीक है। और हाँ तो बस ये लक्ष्य कह रहा था टॉप थ्री में हम है सर, नंबर मत काटिए सर, 31वां नंबर पे रहेंगे तुम्हारा यार लक्ष्य, उर्दू में 2 नंबर ला रहे हो तुम यार, लेकिन तब भी 19 है, बहुत अच्छी बात है। 22-23 होना चाहिए टॉपर को लिटरेचर सेक्शन में एटलीस्ट, है ना, 22-23, ठीक है। हाँ अलवीरा का रैंक देखना, अलवीरा ऑन द 17th रैंक, मार्क्स इज 73, बहुत शानदार अलवीरा। तुम लोग ना जो अगले साल के तुलू वाले हो ना सर, कसम से सब लोगों को तो मैं एकदम धुरंधर बना दूंगा, बेफिक्र रहना सर, धुरंधर बना दूंगा तुम लोगों को तो, बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त। सर हाँ बोलिए सर, मेरे नंबर तो सही आ जाते हैं सर, पर दिक्कत मेरी यही है कि मैं मतलब आज तक सर संस्कृत पढ़ते हुआ हूँ, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि एमयू के पेपर में संस्कृत मतलब उर्दू भी आती है, तो मैं संस्कृत पढ़ के आया। मैं चार पांच साल उर्दू के लिए मैम ने बहुत अच्छा किया हुआ है, मैम ने बहुत अच्छा किया हुआ है, तो मैं इसलिए धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ अब, धीरे धीरे इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो यार। तू नहीं चाहता कि तेरे रैंक अगर टॉप 20 में 10 में आ जाए तो क्या नहीं लेना चाहता? सर आराम से आ जाती टॉप 20 में, बस वही दिक्कत हो गई ना, उर्दू नीचे ले गया, बाकी सब में अच्छे ही नंबर आए। ये टॉप 20 की बात नहीं कर रहा मैं दोस्त, अच्छा, मैं इसकी बात ही नहीं करता हूँ, उसमें उस टॉप 20 के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ये कैलिबर है तो टॉप 10 में आ सकता है। अभी सब बातें करेंगे हम काउंसलिंग सेशन के दिन, ठीक है। मैं सबसे पहले काउंसलिंग करना चाहूंगा इन बच्चों का जो एबसेंट है, ठीक है बच्चों लोग, क्योंकि ये हार माने हुए लोग है, मैं हारने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इनका मैं पहले काउंसलिंग करना चाहूंगा कि ये क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। एटलीस्ट आप तो हार नहीं माने हो ना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो एग्जाम देने नहीं गया, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है।
आपको एक छोटा सा मोटिवेशन चाहिए ना, आज अलवीरा ने कहा, वैसे हम बात करते हैं अच्छे से मोटिवेशन का। आज मैंने सुबह में ये अपने बैच के करो हमारे से जो 11th एंट्रेंस के बच्चे बहुत सीरियस माशाल्लाह कहते हैं सर इसी तरह की तैयारी हो गई ना कसम से फाड़ के आ जाएंगे एकदम फाड़ के आ जाएंगे। ये लड़की कहती है या तो हम फोड़ देंगे या तो हम तोड़ देंगे, ठीक है, ये रिमसा भाग गई ना लड़की इधर, तो उधर भी बच्चे बहुत मजेदार मजेदार वाले हैं। तो उनको मैंने एक बात सिंपल बोली, याद रखना ना बच्चों तुम लोग पहले कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, अभी तो तुम लोग को अभी एग्जाम का डेट वेट भी नहीं आया तो अभी तो सब मामला ऐसे ही चल रहा होगा, ठीक है। अभी लक्ष्य में बात करेंगे आराम से ना, मैं चैट सेशन थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ ना क्योंकि मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा, ठीक है ठीक है, मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा, मैं बात करूंगा अभी आराम से। क्या हुआ कि बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा लग रहा, क्योंकि उन लोग एग्जाम कुछ दिनों बाद है ना, कैसा लग रहा, मजा आ रहा है, बड़ा सब मस्त आ रहा, फीलिंग आ रही है एकदम कि अब हो जाएगा एकदम सर, पहले डर लगता था अब लगता है कि हाँ अब हो जाएगा सर। तो मैंने उनसे एक सिंपल बात कही कि यार जो इंसान ना, इंसान जो सफलता पाता है ना, जो सफलता हासिल करता है, ठीक है, वो उस सफलता को दो बार पाता है, वो दो बार पाता है, एक बार पहले अपने दिमाग में, दूसरा उसको रियल लाइफ में, रियल फील्ड में, जो चीज वो करता है पहले वो अपने दिमाग में अपने आप में जीत चुका होता है कि ना ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा, यहां से वो जीत चुका है, अब वो रियल लाइफ में लोगों को बस ये बताना बाकी रहता है, रिजल्ट घोषित हो गया, हाँ भैया ये बंदा टॉप 3 में रैंक आया, ये बंदा टॉप किया हुआ है। तो ये मोटिवेशन आपको अंदर से पहले आता है, कहते हैं एंट्रेंस में कॉन्फिडेंस का आपका बहुत रोल है, बहुत रोल है, मतलब आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, पहले से यहां हारे हुए हो, उस दिन हार चुके हो आप, पहले जीत को तो जाओ, यहीं से जीत के जाना है कि अरे इस पूरी तैयारी की है यार, अभी तो डेट भी नहीं आया, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तो नवाब सर का साथ अभी काउंसलिंग होगा, हम कमियां पे दूर करेंगे, कहां पे मेरी कमी हो रही है, आप एक बार दूसरों टॉपर्स के भी जरा एक बार मार्क्स के भी झलक के देखा करना आप, आपका तो अच्छा है कि मैं पर्सनली, मेरा मोटिव है एकदम वो रणछोड़ दास छाछड़ वाला एकदम है ना, 3 इडियट्स का आमिर खान की तरह, भैया मार्क्स कान में बोलने चाहिए कि पब्लिकली नहीं लगाना है, पब्लिकली मैं लगाता हूं इसलिए कि जो नीचे आ रहे एटलीस्ट वो देखे तो यार टॉपर में ऐसा क्या खास था, रेहान का मार्क्स देखो 25 में से 25 लिटरेचर में, दूसरा टॉपर का मार्क्स देखो 25 में से 25, ठीक है, कहां मार्क्स हुआ, थोड़ा सा वो मैथ और साइंस में गड़बड़ाया, और यही बात मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ साइंस की कोई गारंटी नहीं कि 30 और 30 दोनों 60 करके आ जाओगे, लेकिन लिटरेचर की पूरी गारंटी कि 25 का 25 सही करके आ जाओगे। तो सबसे पहला जिस भी बंदे का अगर वो रैंक नहीं ला रहा है, यानी अपने लिटरेचर सेक्शन में वो वीक है, और यही पार्ट को मैं मार्केट को क्यों दे रहा हूं कि आप लोग अपना लिटरेचर सेक्शन अच्छा करो, इसलिए तो मैं अपने सीरीज में उनको फ्री वीडियोस दे रहा हूं, लेक्चर्स दे रहा हूं, और मतलब जो भी चीजें हो रही है उनको दे रहा हूं, लिटरेचर सेक्शन आप अपना अच्छा कीजिए, सिलेक्शन तो पक्का है, मैथ और साइंस में कोई गारंटी नहीं, मान लो 6-7 सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था 2018 में, उसी तरह साइंस में आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पहले ही हार मान चुके हो, ऊपर से आउट ऑफ सिलेबस के सवाल दिख जाएंगे आपको पल्ले भी ना पड़ेगा और हार मान जाओगे तुम लोग, तो कैसे मैनेज करना है सबको, तो ये सबको मैनेज हम करना सिखाएंगे आपको, आउट ऑफ सिलेबस के सवाल अभी हम देना शुरू करेंगे आपको, टेस्ट सीरीज शुरू हो गया, टेस्ट सीरीज शुरू होने का मतलब हम टेस्ट सीरीज में आपको खेलेंगे हर वो सिचुएशन से जिस तरह से उधर पेपर आ सकता है, ये मतलब नहीं अरे सर ये सवाल तो पूछेगा ही नहीं, अरे कोई मतलब नहीं, हमें आपको सिखाना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है, और कैसे नवाब सर का ट्रिक आपको वैसे वैसे सवाल को भी बना के दे सकता, आपने सीखा है ट्रिक दिन रात एक दिन करते करते आपने, मेरे कितने सारे ट्रिक हमने बैठ के अपने आप से ट्रिक बनाया यार, ऐसे नहीं निकलेगा यार, बिल्कुल निकलेगा। तो आप ना हर बंदा टेस्ट का एक बहुत शानदार पार्ट, डिस्कशन को एकदम सीरियसली लेंगे आप, मैंने डिस्कशन का सेक्शन क्यों बढ़ाया 1.5 घंटे के, क्योंकि अब आप और अच्छे से डिस्कशन करो, डॉट्स पूछना है डॉट्स पूछो, आप ना आप लोग करो डिस्कशन, मैं देखता हूँ जैसे करो या मरो सीरीज के बच्चे डिस्कशन करते हैं, अभी उन लोगों का पेपर शुरू हो गया है ना, अभी पेपर शुरू हो गया 8 बजे पेपर शुरू हो गया, मैं दिखाता हूँ 11th क्लास के बच्चे, आप लोग चैट में ये सब जब बातें करते हो ना उनका मैं चैट सेक्शन दिखाता हूँ, है ना, ये है उनका एक करो या मरो सीरीज का 63 चैट आया, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है, हाँ देखो 63 चैट आया, ऊपर देखा ना मुस्तकबिल करो या मरो सीरीज, अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या बातें हो रही है, देखो क्या बातें हो रही है, ये इसने सॉल्यूशन भेजा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा बंदा बोल रहा है ओके भाई, ठीक है सम और कहाँ गया, ये इसने दूसरा सॉल्यूशन भेजा, ये भाई इसका कोई आंसर बता दे कि ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा, तो ये सब डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का, ठीक है, और आगे और बस यही सब चल रहा है, ओके
ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट वाज बोर्न इन मुल्तान, आज का टेस्ट पेपर का सवाल है। करो मरो सीरीज को आप डिस्कस करके देना है आप लोगों को, अपने से चेक करके देखना है कि आपको आता या नहीं आता, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, एकदम करो मरो सीरीज का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम, तो आप ना यार एक महीने में नाइन्थ इंटरेस्ट की तैयारी होती है, एक महीने से भी ज्यादा है अभी तो, पता नहीं डेट कब आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन और याद रखने की बहुत शानदार बात, सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई इंसान किसी इंसान के लिए है तो वो खुद है, वो खुद है और वो खुद है। आप कभी अपना चेहरा जाके आईने में देखना और सोचना कि यार मैंने अपने लाइफ में अभी आज तक क्या अचीव कर लिया, तो पता चलेगा कुछ नहीं, तो फिर बोलना ना भाई अब तो करना है कुछ लाइफ, ठीक है। तो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद और आगे कंटिन्यू करते हैं, किसी को कुछ डॉट वॉट हो तो बताए जल्दी सा, है ना, मैं इतना देर में नमाज पढ़ लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए कोई किसी को कुछ पूछना हो, चैट सेक्शन ऑन कर दिया हमें, आप लोग जा सकते हैं, 5 मिनट में फिर से मिलेंगे हम लोग, है ना। सरफराज बात करूंगा मैं लैंग्वेजेस में, आपको कितनी बात आपको सिखाया गया है, कैसे इंप्रूव करना है, रिविजन चल रहा है और अभी तक आप इंप्रूव नहीं कर रहे तो कब करोगे इंप्रूव यार। हाँ इंटरेक्शन सेशन देंगे हम इंशाल्लाह, पहले मैं बताया ना सैफ यार फ्री हो गया डेट कर रहे हो, करके जरा इन लोगों को जरा कॉल करना शुरू कर दो, 9th इंटर से जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे आप टेस्ट, क्यों क्या होगा, नवाब से पूछ रहे हैं, ठीक है। मिरर से चश्मा उतार कर देखना है ये चश्मे के साथ साथ, बिलाल आंख बंद करके देख लियो तू, जरूरत ही नहीं है। सैफ टॉप इज ऑल्सो टॉप 10, टॉप इज ऑल्सो टॉप 50, टॉप करना है तो रैंक 1 के बारे में सोच, रैंक 1 क्या सोचता है, रैंक 1 वाला बंदा, एक बात बताता हूं आप लोगों को ना, एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, किसी भी रैंक वाले 1 वाले के बारे में सोचना, जो टॉप के बारे में सोचते उनके लिए खासकर स्टेटमेंट है, उसे पूछना क्या तूने रैंक 1 की उम्मीद की थी, वो बोलेगा ना सर मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं था रैंक 1 आएगा। तो टॉपर कभी रैंक के बारे में नहीं सोचते, टॉपर अपने गलतियों पे सोचते हैं कि यार मैं टॉप रैंक के बारे में क्यों सोच रहा हूं, मैं गलती कहां कर रहा हूं, ये तो देखो मैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे, सोचने वाली बात है, आपके मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, तो टॉपर रैंक के बारे में नहीं सोचता दोस्तों। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना तो गलत सोच रहे हो। सही सर मैं अपना मैथ्स कैसे अच्छा करूं, यूसुफ बात करेंगे इसके बारे में आराम से, जोहरिया बात करेंगे इसके बारे में काउंसलिंग सेशन में इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे आप, और बाकी अपने सीनियर से भी ना चैट सेक्शन में पूछा करें आप लोग कि उन्होंने अपने मैथ्स कैसे इंप्रूव किया या कैसे इंप्रूव, टेलीग्राम चैनल है सबके पास लिंक है, अच्छी सी बातें करो करो यहां से यार। हाँ अगले बार से सारी बात हो गई मेरा सर से, संडे को वो भी बैठेंगे 15-10 मिनट जो भी है उसके लिए, ठीक है। नहीं मैं किसी से कभी गुस्सा नहीं रहता हूं, कोई भी एक्स वाई जेड बंदा अगर किसी ने मेरे साथ गलत भी किया होना तो मैं कुछ दिन के लिए याद रखता हूं, उसके बाद अल्लाह हाफिज, मतलब भूल जाता हूं उस सब गुस्से को मैं, है ना, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। मजाक ऑब्वियसली बात, आप मजाक क्यों करते हो यार, क्या ये मजाक, क्या मैं अपने तरफ से आपको एंटरटेनिंग क्लास नहीं देता हूं, या सोनो दिल पे हाथ रख के बोलना कि ना सर आपकी क्लास बोरिंग लगती है, बता दो मेरे को, आप बता दो खाली मेरे को, ना सर आपकी क्लास बोरिंग लगती है, मैं ना नहीं सर नहीं सर बोरिंग लगती है आपको, कब बोरिंग लगती है तो आप लोग अपने तरफ से मजाक क्यों करते, क्या मेरे को नहीं लगता कि मैं आप लोग को एंटरटेन कर रहा हूं अच्छे से। अबू रजा बात करेंगे सबके बारे में, आप लेट से आए हो ना तो थोड़ा धीरे धीरे करके आपको इंप्रूव होगा दोस्त, है ना, थोड़ा मेरे को भी चैन सुकून और शांति दे दो, 2-4 मिनट पानी पी ले, नमाज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बाद में ही पढ़ूंगा नमाज, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक, कई लोग जाते ही नहीं है, अल्लाह हाफिज, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट बाद मिलते हैं हम, ठीक, अल्लाह हाफिज।